जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी? मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे, बिंदास होंगे, कुछ खासम खास होंगे। मैं प्रवीण, यूट्यूब के इस प्लेटफॉर्म रोजगार विद प्रवीण पर आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज का जो पाठ है आपका, वो है रीजनिंग का बैठ की व्यवस्था, जिसे अंग्रेजी में सिटिंग अरेंजमेंट कहते हैं। आज इस पार्ट को हम इस कदर से सीखेंगे जो कि YouTube पे सबसे ज्यादा वायरल होने वाला वीडियो साबित होगा। इस वीडियो में या इस पार्ट में हमने बताया है कि बैठ की व्यवस्था को एक अलग ढंग से, एक अलग अंदाज में किस कदर से कर सकते हैं। यदि आप इस वीडियो को एक बार देखते हो तो बार बार देखोगे, फिल्मी अंदाज में, ताबड़तोड़ हल्ला बोल तरीके से। आइएगा देखते हैं, आपका पाठ है रीजनिंग का बैठ की व्यवस्था। बैठ की व्यवस्था बैठ की व्यवस्था आप समझते हैं, अभी तक सभी लोग किस कदर से कराते होंगे, हमें उससे कोनो मतलब नहीं है। हम जो करा रहे हैं आपको, घड़ी की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग कराएंगे। दाएं बाएं हम घड़ी से ही मानेंगे। आप इसको समझ लीजिए एक बार, जब एक बार ये जहन में बैठ जाएगा तो कभी भी ये निकलने का नाम नहीं लेगा, आप भले ही अंतिम सांसों तक पहुंच जाएं। देखिएगा, समझते हैं हम इसको। सबसे पहले हम घड़ी को समझते हैं। घड़ी जो होती है हमारी, इस कदर की होती है। इसका जो सेंटर बिंदु जो होता है, यहां से ये 12 दिखाता है और ये 6 दिखाता है, ये 3 दिखाता है और ये 9 दिखाता है। 12 को हम उत्तर बोलते हैं, 12 जो उत्तर दिशा में बजता है, और 6 जो बजता है वो दक्षिण दिशा में बजता है, और 3 बजता है वो पूर्व दिशा में बजता है, और 9 बजता है वो आपका पश्चिम दिशा में बजता है। देखिएगा, घड़ी इस कदर से चलती है, यहां से इस कदर से स्टार्ट करती है, इसी को हम घड़ी की दिशा कहेंगे, इसको हम घड़ी की दिशा कहेंगे या घड़ी की दिशा में कहेंगे। इसको और नाम से भी आप जानते हो, इसको हम दाया के नाम से, या फिर अंग्रेजी संकेत कहें तो राइट के नाम से, इसको ही हम दक्षिणावर्त कहते हैं। दक्षिणावर्त, और अंग्रेजी में इसको क्लॉकवाइज कहते हैं, यानी CW से दिखाएंगे इसको। इतना आप समझ गए होंगे, घड़ी इस कदर से चलेगी। और यदि इस कदर से आपको घड़ी की कंडीशन दिखाई जाती है तो इसको हम कहेंगे घड़ी की विपरीत दिशा, घड़ी की विपरीत दिशा। इसमें क्या होता है, इसको हम बायां के नाम से जानेंगे और इसको हम लेफ्ट से दिखाएंगे, इसको बामावर्त भी कहते हैं। बामावर्त, बामावर्त, इसे अंग्रेजी में एंटी क्लॉकवाइज के नाम से जाना जाता है, जो कि घड़ी की विपरीत दिशा है। क्वेश्चन, इस कदर से चलेगा तो घड़ी की दिशा, और इस कदर से आएगा तो घड़ी की विपरीत दिशा होगा। जैसे समझिएगा, हम अपने पाठ की तरफ चलते हैं। इसमें क्या होता है, मान लिया जाए कि हम इसको टाइप के हिसाब से डिवाइड कर देते हैं। जरा टाइप फर्स्ट जो है ये कहता है, इसको अंग्रेजी में हम सीटिंग अरेंजमेंट भी कहते हैं। समझ लीजिए व्यवस्था किस किस कदर से की जाती है, एक बार आप समझ लीजिए। व्यक्ति जो होते हैं, कुछ लोग होते हैं लूडो खेलते हैं या कैरम बोर्ड खेलते हैं तो विकेटों पर बैठते हैं, लेकिन जब व्यक्ति किसी ताश खेलते हैं या कहीं खाना खाने जाते हैं तो वो एक मेज पे आमने सामने मुंह करके या विपरीत दिशा में मुंह करके बैठते हैं। कुछ क्वेश्चन आते हैं आपके, पंक्ति में बैठते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा, जब व्यक्ति एक पंक्ति में बैठे होंगे
तो हमेशा उत्तर की ओर मुंह करके बैठेंगे। अगर वो दिशा का नाम नहीं देगा तो भी हम उसको उत्तर ही मानेंगे। इतना आप समझ गए होंगे। अगर दिशा का नाम दे देगा तो उनको अन्य भी मान सकते हैं। जैसे देखिएगा, जैसे एक पंक्ति है, इस पे कुछ व्यक्ति बैठे हैं। मैंने मान लिया कि व्यक्ति है ए, ये व्यक्ति है, व्यक्ति बैठा है ए, और ये है आपकी पंक्ति। इसको पंक्ति कहते हैं। इधर से कहेगा बायां और इधर से कहेगा इसको पंक्ति को दायां। इतना आप समझ गए होंगे। पंक्ति इधर से चलती है तो बायां और इधर से चलती है तो दायां, और ये आपका है व्यक्ति। ठीक, पंक्ति को इसमें दो नियम लागू होते हैं पूरी बैठ की व्यवस्था में। एक तो आपका पंक्ति का नियम लागू होता है और एक आपका व्यक्ति का नियम लागू हो सकता है। व्यक्ति को इस पाठ में वस्तु भी कहा गया है। कोई भी सामग्री जो कि ब्रह्मांड के अंदर जो दिखता है, उन सामग्रियों का नाम व्यक्ति के रूप में इस पाठ में रखा गया है। जैसे कोई गाड़ी भी हो सकती है, या कोई जानवर भी हो सकता है, या कोई पक्षी भी हो सकते हैं, या कोई महिलाएं भी हो सकती हैं, या कोई बच्चे भी हो सकते हैं, या कोई आपके व्यक्ति यानी आदमी भी हो सकते हैं। कुछ भी हो सकता है जो आपके यहाँ पे व्यक्ति में रखा गया है, या कोई आपका कोई संकेत हो सकता है। अंग्रेजी वर्णमाला के अल्फाबेट या हिंदी वर्णमाला के अल्फाबेट भी इसमें हो सकते हैं। मतलब कुछ भी, यानी जो भी नाम ब्रह्मांड के अंदर दिया गया है वो सब यहाँ पे व्यक्ति के रूप में दर्शाया जा सकता है। समझिएगा, इसमें दो पैटर्न लागू होते हैं, एक आपका पंक्ति का और दूसरा आपका व्यक्ति का। व्यक्ति का जो पैटर्न लागू होता है उस पे हम घड़ी का नियम फॉलो करेंगे, पंक्ति पे घड़ी का नियम फॉलो नहीं करेंगे। नियम किस पे फॉलो होगा? व्यक्ति पे। जैसे देखिएगा, अगर व्यक्ति को घड़ी का मतलब इधर दिशा, अगर व्यक्ति इधर चलेगा तो ये आपका दक्षिणावर्त यानी दायां कहलाएगा, और व्यक्ति इधर चलेगा तो ये आपका बायां कहलाएगा। आप समझ गए होंगे। इधर की साइड में व्यक्ति के बगल से जो भी व्यक्ति बैठेंगे, एक ही साइड में इधर कोई भी व्यक्ति बैठेगा वो सब इधर के बाएं होंगे, और एक ही इधर कोई भी व्यक्ति बैठेगा वो सब इसके, सॉरी, इधर के बैठेंगे तो वो दाएं होंगे और इधर बैठेंगे तो वो बाएं होंगे। इतना आप समझ गए होंगे। इस क्वेश्चन में इसने बोला है कि व्यक्ति उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा है या बैठा है, या फिर नहीं बोला है तो भी हम इसी डायरेक्शन को मानेंगे। इतना आप समझ गए होंगे। यहाँ से दो क्वेश्चन बनते हैं। एक तो पंक्ति में पहला पॉइंट आपको बोलेगा कि एक पंक्ति में पांच व्यक्ति या छह व्यक्ति या चार व्यक्ति या 10 व्यक्ति, व्यक्तियों की गिनती क्लियर नहीं है, कितने भी व्यक्ति बैठा सकता है। आपको दिक्कत इसमें यह सोचनी है कि इसके बाएं कितने हैं और इसके दाएं कितने हैं। समझ रहे हो? अगर कोई व्यक्ति है उसके इधर जाना है तो दायां कहलाएगा और उधर जाना है तो बायां कहलाएगा। हम आपको घड़ी की डायरेक्शन से क्वेश्चन करा रहे हैं। इतना समझ में आया हो तो वीडियो को एक बार लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिएगा। देखिए मित्रों, इतना आप समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन ये है, और मान सकते हैं, जैसे व्यक्ति को इधर भी डायरेक्शन मुंह करके बैठा सकता है पूरब की ओर, समझ रहे हो, या फिर व्यक्ति को इधर भी कह सकता है पश्चिम की ओर, या व्यक्ति को ये भी कह सकता है, और मान लो, और या व्यक्ति से ये भी कह सकता है कि ये आपके दक्षिण की ओर मुंह कराए हुए हैं। लेकिन इन तीनों पॉइंटों पे डायरेक्शन का नाम देगा, क्या करेगा? दिशा का नाम देगा। कौन देगा? जो क्वेश्चन पूछेगा वो इन दिशाओं का नाम देगा, लेकिन उत्तर दिशा का नाम दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता है। इतना आप समझ गए होंगे। लेकिन घड़ी का नियम सभी पे लागू होगा, सब घड़ी के नियम से चलेंगे। घड़ी का नियम लागू होगा।
चाहे व्यक्ति इधर मुंह करके बैठा हो, इधर बैठा हो या इधर बैठा हो, हम घड़ी के नियम से ही सभी क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना। इसमें घड़ी का विपरीत डायरेक्शन का कोई लेन देन नहीं है, आप इतना समझ गए होंगे। सेकंड टॉपिक के इसका पॉइंट पे चलते हैं। जैसे कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं कि आमने सामने पंक्तियों में व्यक्ति बैठते हैं, कुछ का मुंह इधर होता है और कुछ का मुंह इधर होता है, तो भी इस पे हम घड़ी का नियम फॉलो कराएंगे। इधर के व्यक्ति होंगे सब कैसे होंगे, दाएं वाले। इधर के होंगे सब कैसे होंगे, बाएं वाले। इस पे भी यही नियम फॉलो करा देंगे, इधर के दाएं वाले, इधर के बाएं वाले, ठीक है ना। इस पर नियम लागू तो दो होते हैं, लेकिन हम इसे एक ही नियम से कवर कर लेते हैं, हो जाता है क्वेश्चन। ये इसी का ही सेकंड पॉइंट है इसका। ये इसके सेकंड और भी हो सकते हैं, डबल डबल में सब बैठ सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि अगला व्यक्ति ऐसे करके बैठा है तो कभी भी ये एक दूसरे की पीठ करके नहीं बैठेंगे। कहने का मतलब ये है कि एक व्यक्ति का मुंह सामने से मेरे खड़ा हुआ और मैं उसके सामने खड़ा हूं, ऐसे बैठ जाएगा, लेकिन इस व्यक्ति का मुंह इधर हो जाए और मेरा मुंह पीछे हो जाए तो इनका पिछाड़ा हो गया, ये कभी भी बीच में सेटअप नहीं होगा। इस क्वेश्चन को कभी परीक्षा में नहीं पूछा जाता है, ये आपका अज्ञात क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। मैं यही बात समझाना चाह रहा हूं आपको, इतना आप समझ गए होंगे। तो इसमें ये चीज समझ लीजिए कि आमने सामने बैठे हुए हैं, ठीक है। अब आगे टाइप टू पर चलते हैं। टाइप टू क्या कहता है, इसमें भी घड़ी का नियम फॉलो होगा ना, घड़ी का नियम लागू होगा, ठीक। टाइप टू में यह कहता है कि कुछ लोग बिकड़ से बैठते हैं, बिकड़ से। जैसे टाइप टू का मतलब यह है कि कुछ लोग यहां बैठते हैं, इस कदर से चौखाना बना हुआ है, ये आयत मान सकते हैं इसको, या फिर आप वर्ग भी मान सकते हो, ठीक है। ये इसके क्या है, कोने हैं, सभी के क्या है, कोने हैं। कोने जो लागू होते हैं, एक तो आपके लूडो में लागू होते हैं और कैरम में भी लागू होते हैं, कैरम बोर्ड जो होता है, और भी कई ऐसी वस्तुएं हैं खेलने कूदने बैठने उठने की जिनमें कॉर्नर लागू होते हैं। लेकिन जब किसी भी कोने को एक सामने वाले कोने से मिलाया जाता है, ये वाला इसको मिला दिया जा रहा है और इसको मिला दिया जा रहा है, ये एक दूसरे से मिल रहे हैं, इतना आप समझ गए होंगे। जब ये एक दूसरे से मिलते हैं तो यही रेखाएं पूरी पूरी जो दिख रही हैं, ये विकर्ण का काम करती हैं। किसका काम करेंगी, विकर्ण का। ये एक दूसरे के विकर्ण पर बैठे हुए व्यक्ति हैं, इस कदर से बैठे हैं तो एक दूसरे के विकर्ण पर बैठे होंगे। और अगर यहाँ पे कोई व्यक्ति बैठा है और यहाँ भी कोई व्यक्ति बैठा है, तो इनका मतलब है कि ये व्यक्ति अपने एक दूसरे के आमने सामने मध्य, मध्य कह देगा इसको, किस नाम से भी जान सकता है, एक तो मध्य के नाम से भी जानेगा इसको, ठीक है, या फिर केंद्र के नाम से भी, क्या केंद्र नहीं बोलेगा, आमने सामने बीच बोल सकता है इसको, बीच के नाम से भी बोल देगा इसको, ठीक है। और भी कई नाम है बीच के, सेंटर भी बोल सकता है इसको, सेंटर अंग्रेजी बोल सकते हैं CENTER, ठीक है ना। केंद्र भी बोल सकता है, सेंटर से बोलेगा, सेंटर, सेंटर में बैठे हैं, समझ गए आप, ये चीज भी बोल देता है, इतना क्लियर हुआ। तो ये आमने सामने के व्यक्ति हैं, ये विकर्ण के व्यक्ति हैं। तो ये कंडीशन जो आपकी लूडो और कैरम पे और भी चीजों पे लागू होती है। अगला क्वेश्चन क्या है इसका, सेकंड वाला और भी देख लो। ये तो विकर्ण से था, अब क्या होगा, आपका किसी मेज पे बैठ सकता है, जैसे मेज तो ये कंडीशन की होती है, लेकिन हम इससे दिखा देते हैं तो आप समझ रहे हो कि इसका उत्तर की कंडीशन पकड़ रहा है, ये विकर्ण में था लेकिन डायरेक्शन इस पे भी लागू हो गई है, घड़ी की दिशा, ठीक है। घड़ी की दिशा सभी क्वेश्चनों पे लागू होगी, जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ हर क्वेश्चन पे घड़ी की डायरेक्शन लागू होगी। अब यहाँ पे क्या होता है, ये एक, ये तो पूरा वही है, ये दक्षिण है, ये आपका पश्चिम है, पूरब और ये उत्तर है, इतना क्लियर हुआ। अब यहां से क्या होता है कि जितने भी व्यक्ति होते हैं, ये खाना खाने के लिए, खाना खाने के लिए जितने भी व्यक्ति जाते हैं वो सब केंद्र की ओर मुंह करके बैठते हैं, क्योंकि एक दूसरे के आमने सामने मुंह करके बैठे होंगे, टेबलें ही
इस कदर से लगाई जाती है जैसे पंडाल या कहीं भी खाना खाया जाता है, जैसे शादी समारोह हो या बफर सिस्टम का कोई काम हो या रेस्टोरेंट हो या होटल हो, जिनमें जब जाया जाता है तो व्यक्ति एक दूसरे के आमने सामने मुंह करके खाना खाते हैं। तो आप समझ रहे हैं, जब एक दूसरे के मुंह के सामने बैठे होंगे तो ये कहाँ होंगे, केंद्र की ओर इनका क्या होगा, मुंह होगा। इनका मुख किधर होगा, इस कदर से सेंटर पर होगा, इस कदर से। और जब इनका मुख केंद्र का होगा तो ये कैसा नियम लागू करेंगे, घड़ी की दिशा का नियम, इसको दायां कहा जाएगा। समझ रहे हो ना, इसमें भी क्या नियम लागू होगा, घड़ी की दिशा का नियम, इसको भी दायां कहा जाएगा। क्लियर हुआ। तीसरा पॉइंट ये आता है कि जिसमें कई सारे व्यक्ति होते हैं, और समझ लो इसी का, इसमें कई सारे व्यक्ति होते हैं, मान लो 6 व्यक्ति हैं, 8 व्यक्ति हैं, 10 व्यक्ति हैं, हमने मान लिया कि इसमें 8 व्यक्ति हैं, तो इन सभी का मुख किधर माना जाएगा, जब तक वो दिशा का नाम दे या ना दे। दिशा का नाम दे तो और अच्छी बात है, अगर दिशा का नाम नहीं देता है तो हम मानेंगे कि वो व्यक्ति सभी केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। इन सभी का मुख किधर होगा, केंद्र की ओर हो, सबका मुख ही केंद्र की ओर है। और जब सबका मुख केंद्र की ओर होगा तो हम इसमें घड़ी का नियम अप्लाई कर देंगे, समझ रहे हो, इसको दायां मानेंगे। इतना क्लियर हो गया। यदि यही क्वेश्चन समझ लो, सेकंड वाला इसी का सेकंड बनता है, और वन मान लो, और टू देख लो भाई इसका, और टू क्या कहता है, और टू ये कहता है कि कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो केंद्र की ओर मुंह करके बैठे होते हैं और कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो केंद्र की ओर मुंह करके नहीं बैठे होते हैं। कहने का मतलब है कोई पार्टी में कई सारे लोग जाते हैं जो कुछ उसमें एक दूसरे से भेदभाव रखते हैं या दुश्मनी होती है एक दूसरे की, तो वो कहते हैं कि मेरे सामने बैठेगा तो मैं इसकी शक्ल भी देखना पसंद नहीं करता हूँ, तो अपनी शक्ल को एक दूसरे से वो पलट भी लेते हैं, समझ रहे हो। तो कुछ लोग उसमें सामने मुंह करके खाना खा रहे होते हैं, कुछ लोग शक्ल पलट लेते हैं अपनी, समझ गए ना। तो वही क्वेश्चन कहना चाह रहा है, इस अवस्था में क्या होता है, जैसे समझ लीजिए क्वेश्चन यही है, थोड़ा चेंजिंग है। मान लो ये केंद्र की ओर मुंह किए हुए हैं ये वाले व्यक्ति, ये सब व्यक्ति केंद्र की ओर मुंह किए हुए हैं, और जब तक केंद्र की ओर मुंह होगा तब तक इसको मानेंगे दायां। जिन जिन लोगों का केंद्र की ओर मुंह होगा उनको मानेंगे दायां, ठीक है ना, केंद्र की ओर, केंद्र की ओर, इतना क्लियर हुआ। और जिन व्यक्तियों का केंद्र के विपरीत मुंह होगा, जैसे ये वाले जो व्यक्ति हैं इनका विपरीत मुंह है, तो इनको हम मानेंगे कौन सा वाला, समझ गए होंगे आप। इसको इससे टच करा देता हूं जरा मैं, और इसको यहां से दिखा देते हैं, इसको थोड़ा ऊपर लाइन खींच दी जाए तो समझ में आ जाएगा कि मुख इसका बाहर है, तो इसको मानेंगे हम ये वाला है। इसको डायरेक्ट फिर क्या मान लेंगे, बाया, क्या मानेंगे इसको, बाया। इसी डायरेक्शन में जब केंद्र के विपरीत मुख हो जाएगा तो उसको तुरंत बाया मानेंगे, और जिसका मुख केंद्र की ओर होगा उसको हम दाया मानेंगे। बाया का मतलब है केंद्र के विपरीत मुख, केंद्र के विपरीत मुख, इतना आप समझ गए होंगे। जब केंद्र के कुछ लोगों का विपरीत मुख होता है उसको हम दाई कंडीशन को बायां मान लेते हैं, और उसी कंडीशन जब केंद्र की ओर मुख होता है तो उसको डायरेक्ट ही दायां मान लेते हैं। आप समझ गए होंगे, तो वे एक लाइक बनता है, लाइक प्लीज। आगे देखिए दोस्तों, इसका एक नियम और है, टाइप थर्ड में मान लेता हूं उस नियम को मैं। टाइप थर्ड ये कहता है कि ए गुणा बी का मतलब ए बी सी डी या किसी का नाम मैंने आपको समझाई दिया है, कुछ क्वेश्चन ए गुणा बी पे या ए प्लस बी पे, ए माइनस बी पे, ए भाग बी पे, इन पे भी आते हैं, और कुछ संकेत भी देते हैं, संकेत मान सकते हो इसको। संकेत पे जो क्वेश्चन आते हैं ये आपका पार्ट अप्लाई किया जाता है इनमें आपका, एक तो आपका दिशा परीक्षण से भी इसका क्वेश्चन दे देता है, दिशा परीक्षण में भी रखता है इसका क्वेश्चन, और आपका बैठ की व्यवस्था में भी रखता है इसका क्वेश्चन।
और ये आपका रक्त संबंध में भी देता है। ध्यान से समझना दोस्तों इस पार्ट को, रक्त संबंध में भी रखता है। ये वाले क्वेश्चन आपके सभी पाठों में दिया जाता है, करने का तरीका सबका एक ही है। इसका नोट पॉइंट ये कहता है, नोट एक बात समझ लीजिए, एक शब्द आता है जो जो शब्द होता है दूसरे वाले के लिए, समझ रहे हैं आप, जो शब्द होता है दूसरे वाले के लिए, और एवं जो शब्द होते हैं पहले वाले के लिए। अगर आपको जो नजर आ जाए, और एवं को छोड़ो, यदि आपको जो नजर आ जाए इसका मतलब है कि वो बात दूसरे वाले के लिए हो रही है। अगर जो नहीं आया है तो इसका मतलब है कि वो बात पहले वाले के लिए हो रही है। जैसे रक्त संबंध लिखा है, कट गया था, ठीक समझ लीजिए। जैसे ए, फॉर एग्जाम्पल मैं समझा दे रहा हूं, ए कोमा बी के बाएं दूसरा है जो जो सी के डॉट डॉट, क्वेश्चन पूरा नहीं बोल रहा हूं मैं इस जो का अर्थ समझाना चाह रहा हूं। ये जो जो है ना, वो इस पे अप्लाई होगा। जो किस पे अप्लाई होगा? इस सेकंड वाले, फर्स्ट इसको मानते हैं, सेकंड इसको मानते हैं, दूसरा वाला, पहला ये है दूसरा ये है, यानी जो का मतलब है वो बी पे अप्लाई हो रहा है। जो भी शर्त दी जाएगी जो के बाद या जो से पहले, वो शर्त आपकी टोटल बी पे लागू होगी। ये क्वेश्चन ही बताएगा उस चीज को। जैसे इसका मतलब आप समझ गए हैं, तो जो किस पे लागू होता है भाई? जो का मतलब होता है डायरेक्ट बी से, दूसरे वाले पे लागू होगा। यह किस पे लागू होगा? दूसरे वाले पर। इतना आप समझ गए होंगे। इस पे कौन लागू होता है? इस पे होता है और एवं, और भी नाम होते हैं इसके, ठीक है ना, लेकिन जो को आप जस्ट याद रखिएगा कि दूसरे पे लागू होता है। इनके बाद जो भी नाम दिए जाएंगे वो टोटल आपके पहले पे लागू होते हैं। दोस्तों आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक बार अच्छा लगे तो मन से लाइक कीजिएगा, और वीडियो को एक बार पूरा देखिएगा। ऐसे ही वीडियो आप हमारे और पाना चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि वीडियो कैसा रहा। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए दोस्तों, और इससे आगे जय हिंद जय भारत।